हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम को लेकर के। टैली प्राइम में एक सवाल है कि आखिरकार हम जब कंपनी बनाते हैं स्टार्टिंग में तो परचेज ही क्यों क्यों परचेज किया जाए, क्यों नहीं डायरेक्ट सेल किया जाए। यही कंफ्यूजन को और क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक व्यूअर लिखते हैं कि सर हमारे जो सीनियर हैं जो अकाउंटेंट हैं वो पहले सेल करते हैं तब परचेस करते हैं। तो देखिए, या तो उनके पास पहले से स्टॉक मौजूद होगा, ठीक है, तो उसको वो सेल करेंगे तब परचेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप जब आए होंगे तो वो कंपनी ऑलरेडी बन चुकी होगी और उसी कंपनी में आपको काम करना होगा, और अगर उस कंपनी में काम करना होगा तो उसमें पहले से स्टॉक्स मौजूद होंगे, परचेस किए हुए होंगे, तो जब उन्हें आप सेल कर लेंगे देन परचेस करेंगे तो ये एक कंडीशन बन सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि उनसे गलती हो रही हो, तो गलती होने की संभावना कम ही होती है, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है वो गलती नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो नए अकाउंटेंट होते हैं एकदम से जो आते हैं उनसे शायद गलती हो सकती है। आइए देखते हैं समाधान क्या है, कैसे कैसे क्या करेंगे। ये टैली प्राइम ओपन है, जीएसटी कंपनी नाम से एक कंपनी बनी हुई है जो आपको साफ साफ दिखाई भी पड़ रही होगी। अब यहां पर आ जाते हैं, देखते हैं स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी में जाने के लिए ये गेटवे ऑफ टैली की मेन मेन्यू है, यानी गेटवे ऑफ टैली है। यहां से आपको डी, यहां देखिए डी दिया है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और स्टॉक के लिए क्या दिया है, एस दिया है, तो आपको एस प्रेस करना है। देखिए आपके पास कौन कौन सा स्टॉक मौजूद है, इनवार्ड यानी कि आपके पास कितना है, और आउटवार्ड यानी कि कितना सेल कर दिया है, तो हमारे पास तो है ही है, अभी हमने इसको सेल किया नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली 20 किलो है, 20 किलो ही सेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। शुगर आप 20 किलो सेल कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली जाते हैं सेल्स वाउचर में, ध्यान दीजिएगा, बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं, F8 प्रेस करके कहां, सेल्स वाउचर में, ये आ गए सेल्स वाउचर में। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई एक डेटर पार्टी है, तो अल्ट सी करके बना लेते हैं, नाम क्या है डेटर पार्टी का, जैसे मान लीजिए लोकेश नाम है, तो ये डेटर पार्टी है हमारी। पहचान के लिए यहां पर डी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर आएंगे जैसे ही, तो यहां पर सन्ड्री डेटर का ग्रुप आएगा, क्या आएगा, सन्ड्री डेटर, तो ये सन्ड्री डेटर आ गया, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट हो गया, एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और नीचे आ जाइएगा, यहां पर आएंगे तो यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो क्रिएट पे जाके ऑल्ट सी भी प्रेस कर सकते हैं आप, ऑल्ट सी प्रेस करके या क्रिएट पे जाके, दोनों में से कोई एक मेथड फॉलो करके यहां पे सेल्स अकाउंट लिखिएगा और इसको ग्रुप में डाल दीजिएगा सेल्स अकाउंट के। देखिए यहां पे सेल्स अकाउंट का ग्रुप आ रहा है, तो इसको डाल करके एंटर करते हुए नीचे आकर के इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब ये एक्सेप्ट हो गया, अब हमारे पास शुगर कितनी है, 20 kg, तो हम इसको 20 kg सेल कर सकते हैं, लेकिन 21 kg नहीं कर सकते, तुरंत आएगा क्या, नेगेटिव स्टॉक। देखिए जितना है उतना तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद का आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 21 डाल देता हूं तो तुरंत यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे वार्निंग आ रही है, नीचे आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 1 kg नेगेटिव स्टॉक। तो जितना है उतना तो आप सेल कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो है सेल नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वापिस उसी लेजर को लगा करके एंटर एंटर करके आते हैं हम नीचे, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया। अब यहाँ पे शुगर वापिस लेते हैं, तो अगर मान लीजिए 20 kg सेल किया तो इसमें कोई नेगेटिव स्टॉक का मैसेज नहीं आएगा, 55 रुपए किलो के भाव से भेज दिया, और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो आता है वो लगा दीजिए, तो ये सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, तो यहाँ से एसजीएसटी चूज कर लीजिएगा, ये एसजीएसटी हो गया। अब एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं, तो ये हो गया। लेकिन अब दोबारा आप जब इसको सेल करने जाएंगे तो आपके पास तो अब बचा नहीं है, 20 kg पूरा सेल कर दिया है, तो इस बार मान लीजिए कैश में करते हैं, तो ये चीज कैश में कर दिया है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, तो अब देखिए शुगर का स्टॉक आइटम दिखा रहा है यहाँ पे कि अब 0 kg मौजूद है। तो अगर आप ये काम करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ जाएगा, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा, इतनी बड़ी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब अगर आपको सेल करना है तो अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, F9 वाले में जाना पड़ेगा, यानी यहाँ से वी बटन प्रेस, F9 प्रेस करके अब आना होगा परचेज वाउचर में। तो ये F9 प्रेस किया और आ गया परचेज वाउचर में, और यहाँ पे सप्लायर द्वारा बिल मिला है भाई, फिर परचेज करेंगे तो सप्लायर एक बिल देगा ही देगा, तो उसकी एंट्री यहाँ पे कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए, जो भी डेट आप जिस डेट पे परचेज कर रहे हो, जैसे 1/5/2024 कर लेते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर इस बार हम परचेज करेंगे सप्लायर 1 से, ठीक है, एंटर करेंगे। ये सप्लायर पार्टी का लेजर है, ध्यान दीजिएगा, इसको गलती मत कीजिएगा, और यहाँ पर इनका GSTIN वगैरह डाल दीजिएगा। और अब शुगर इनसे परचेस कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस बार 50 kg परचेस किया जा रहा है 40 रुपए के रेट से, और यहाँ पे इसके लिए सीजीएसटी एसजीएसटी भी आएगी, तो ये सीजीएसटी हो गया, देन यहाँ पे सीजीएसटी आ जाएगा और यहाँ पे एसजीएसटी आ जाएगा, तो यहाँ पे एसजीएसटी लगा लीजिएगा और एंटर एंटर करके, और यहाँ पे द गुड्स, यहाँ पे लिखेगा द गुड्स हैव बीन
परचेज्ड PURCHASED ऑन क्रेडिट, यानी उधार में ये सामान परचेस किया गया, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब आपके पास स्टॉक आइटम हो जाएगा। तो अब अगर आप सेल्स में जाते हैं F8 प्रेस करके, यहाँ से F8 प्रेस कीजिए, सेल्स वाउचर में जाइए और किसी डेटर पार्टी को या कैश में भी आप सेल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जाकर के एंटर करके अब चूंकि रजिस्टर्ड तो होगा नहीं कंज्यूमर, कोई रजिस्टर्ड तो होता नहीं है, तो यहाँ पे शुगर हो गया, ये शुगर दे दिया। अब मान लीजिए 20 किलो और सेल कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 55 के भाव से 20 किलो सेल किया जा रहा है, कोई नेगेटिव स्टॉक का मैसेज नहीं है। तो इसका समाधान यही है कि आप इसको अच्छे से जो है कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए और एंटर करके आप एक्सेप्ट करा लीजिए। हाँ, अब अगर आपको ये पता करना है कि कितना स्टॉक मौजूद है, तो आप यहाँ से बाहर आइए और स्टॉक समरी पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंटर करने पे आपको नजर आएगा कि कितना आपने इनवर्ड कर दिया, कितना आउटवर्ड कर दिया, कितना आपके पास बचा हुआ है, टोटल यहाँ पे डिटेल आपको दिखाएगा। एंटर करिए, तो देखिए सेल्स कितना किया है, परचेस कितना किया है। तो इनवर्ड किया 50 किलो फिर, ठीक है, और आउटवर्ड में कितना हुआ है, 20 किलो हुआ है, तो यानी 30 किलो सब जो है आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शो प्रॉफिट पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाएगा आपको, ठीक है, कि देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है। परचेस, अब 50 किलो परचेस किया था, ठीक है, 2000 रुपए की वैल्यू थी, 20 किलो सेल किया और 1100 का सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा होगा 27.27%, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट भी शो करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर एक बार इस चीज को समझ जाएंगे तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब ये पहले से बनी बनाई कंपनी थी, अगर आप नई कंपनी बनाएंगे तो उस स्थिति में तो आपको परचेस तो करना ही पड़ेगा, बिना परचेस किए आप सेल कैसे करेंगे। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ इसके बटन प्रेस करके और यहाँ पर F3 प्रेस करके एक नई कंपनी बना लेता हूँ, जैसे इस कंपनी को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एकेडमिक कंपनी के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर करेंगे और यहाँ पे लोकल एड्रेस आएगा, तो जो भी लोकल एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगी। अभी यहाँ पे यू प्रेस करते हैं उत्तर प्रदेश, तो ये आ गया और यहाँ पे पिन कोड आएगा, तो ये पिन कोड हो गया, एंटर करेंगे एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है, सारी चीजें क्लियर। अब इसमें चाहे तो जीएसटी चालू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप जीएसटी चालू करेंगे, ये जाकर के इसको यस करेंगे तो जीएसटी चालू हो जाएगा आपका, और यहाँ पर एंटर करके आइएगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा। यहाँ पर आपका GSTIN जो भी हो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, लेकिन इस ऑप्शन को भी यस जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिएगा जीएसटी की डिटेल को। 8 अंकों का HSN कोड जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये 8 अंकों का HSN कोड डिस्क्रिप्शन डालते हुए स्पेसिफाई यहाँ पे करिएगा, टैक्सेबल रखिएगा और यहाँ पर 12% का बाय डिफॉल्ट टैक्स लगा दीजिएगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा, एंटर। अच्छा, यहाँ पर देखिए TDS आपको चालू नहीं करना है, तो TDS को नो ही रखना है और एंटर करके बाकी सारी डिटेल्स को यस कर लेना है, एक्सेप्ट करा लेना है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली सेल्स के लिए जाएंगे तो आपके पास आएगा नेगेटिव स्टॉक, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये एंटर किया, हम कैश नहीं कर रहे हैं ये काम सेल करने का, ठीक है। यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो बना लीजिए सेल्स अकाउंट और अंडर सेल्स अकाउंट में इसे डाल दीजिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। और अब कोई भी स्टॉक आइटम, देखिए कभी भी सेल्स में स्टॉक आइटम बचता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपने बना दिया, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया कीबोर्ड, अब एंटर करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड बिकेगा तो नंबर्स में बिकेगा, NOS कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मल नेम इसका नंबर्स दे देते हैं और यहाँ एन प्रेस करते ही नंबर आ भी जाएगा। एंटर करेंगे एक्सेप्ट कराएंगे, एंटर करके लास्ट तक एक्सेप्ट करा लेंगे। अब मान लीजिए 50 क्वांटिटी आप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव स्टॉक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस करना बहुत ज्यादा जरूरी, याद रखिएगा कि आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक का होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको परचेज में एंट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।